बुरहानपुर जिले की सबसे पॉश कॉलोनी कही जाने वाली गायत्री नगर इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है और यह है विवाद कॉलोनी वासी और कॉलोनाइजर के बीच है। कॉलोनाइजर के द्वारा 10 एकड़ के खेत में से 8.5 एकड़ में NTPC से अप्रूव्ड करवाकर यह कॉलोनी का निर्माण किया गया था, किंतु अब कॉलोनाइजर मनमानी तरीके से अतिरिक्त 1.5 एकड़ भूमि पर भी नियम विरुद्ध जाकर प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि यह भूमि न तो NTPC में दर्ज हो न ही रेरा से इसे परमिशन दी गई है। अब लोग मकान बनवाकर फंस गए हैं। इसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर भव्या मित्तल से की है और मांग की है जल्द से जल्द कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माणों को हटाया जाए। हम सब गायत्री नगर निवासी कलेक्टर मैडम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कॉलोनाइजर द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा है। हमारे जो SDM डाइवर्स उनके थे प्लॉट वो TNC रह रहा है हमारी कॉलोनी गायत्री नगर, उसमें सम्मिलित करके उनको बेच रहे हैं जो कि नियम के विरुद्ध है। कब लिया था आपने ये प्लॉट? हमने 2018 में लिया था, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दी। सुविधा नहीं मिल रही भाई साहब। अगर का मैं आपको शुरू से बताऊं कि ये पूरी 10 एकड़ लगभग जमीन थी हमारी, तो इसमें करीब 8.5 एकड़ का TNC होके इसका पूरा बना, 1.5 एकड़ रह गई थी हमारी। इसकी पूरी बाउंड्री वॉल हमने 10 एकड़ की पूरी बाउंड्री वॉल आगे की करी थी, देखिए आप पूरी छपी है। अब ये जब ये कंप्लीट हो गया हमारा 300, तो हमने 1.5 एकड़ का डाइवर्शन करा के इसमें ऐसा कोई भी गलत काम कुछ भी नहीं है। थोड़ी मेरे अंदाज से कन्फ्यूजिंग हुआ है कहीं किसी को उसका ये है, बाकी तो ऐसा हमारा कोई गलत काम नहीं है। गायत्री नगर के कॉलोनी वासियों के द्वारा अवैध रूप से डाइवर्जन किए जाने और अवैध रूप से कॉलोनी काटने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। उस शिकायत के संबंध में जो भी कॉलोनी वासी उनके भी दस्तावेज ले लिए, उनके द्वारा जो दस्तावेज उन्होंने आवेदन में प्रस्तुत किए हुए और जो कॉलोनाइजर है उससे भी दस्तावेज ले लिए हैं, उसकी स्पष्ट रूप से जाँच कर लेते हैं और प्रमाणिकता के आधार पर और उसकी जाँच के आधार पर नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे।